फॉरेस्ट का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। लुक एट द साइज मैन, उधर से लेके उधर तक है हमारा जो स्टोर है। ये काफ़ी आइकॉनिक है, ऑलमोस्ट 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। एक और चीज़ जो बहुत यूनिक है मेसीज में वो है ये वुडन एस्केलेटर्स। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब के हाल। मेरा नाम है ऋतु। आज ट्यूजडे वाला दिन है, मैं अभी अपने घर से निकल गई हूँ वापस से न्यूयॉर्क लेके जाना है आपको। आई थिंक अब तो आप पहचान गए होंगे कि अगर मैं इस सड़क पे चल रही हूँ तो मुझे और कहीं नहीं जाना होता, मैं हमेशा न्यूयॉर्क ही जाती हूँ। एंड आज जहाँ मैं आपको लेके जाने वाली हूँ वो US का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। एक ऐसी दुनिया जहाँ अगर आपको शॉपिंग पसंद है ना तो आप पूरा का पूरा वीक वहाँ लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 10 से 11 फ्लोर है और काफ़ी अच्छा है। मज़े की बात यह है कि आज तक मैं भी नहीं गई, इट इज़ बीन लॉन्ग फॉर मी। मैं ना सोचती रहती हूँ, बट थैंक्स टू व्लॉग आजकल मैं नई नई जगह एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो आई एम होपिंग ये जो आज की इवनिंग आप मेरे साथ न्यूयॉर्क में बिताओगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स रोल। मेसीज है वो हेराल्ड स्क्वायर पे है और यहाँ से ऑलमोस्ट आई थिंक 20-25 मिनट लगेंगे। आई हैव टोल्ड प्रशांत ऑलरेडी कि निकल जाओ, अब हमारा घूमने का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। एंड बस आज का जो दिन है वो अच्छा है, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम लिटिल टायर्ड। इट्स नॉट कि मैं बीमार हूँ, इट इज़ दैट समटाइम्स इन लाइफ कभी कभी ना एफर्ट ज़्यादा लगता है बोलने में। आई आई वॉन्ट टू मेक इट एज क्लियर एज आई कैन कि मतलब मैं सच बोलूँ, मतलब ये जो व्लॉगिंग की दुनिया है ना, इट हैज़ अ वेरी थिन लाइन जिसमें आप थोड़े सुपरफिशियल हो जाते हो या फिर आपकी जो लाइफ है, आपके एक्सपीरियंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेक हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो, सो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ऐसी फोकट की बात है। और अभी हम लोग पहुँच गए, इसके अंदर जाते हैं एंड फिर मिलती हूँ आपको। वी आर इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। मैं 33rd स्ट्रीट पे हूँ और ये सामने एम्पायर स्ट्रीट है, मुझे 34th स्ट्रीट पे जाना है जो कि होता है यहाँ। एक दो एवेन्यूज राइट लेफ्ट होगा। तो अभी हम पहुँच गए हैं ये US का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। लुक एट द साइज मैन, उधर से लेके उधर तक है। एंड इसके जस्ट सामने H&M भी है, बट लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन मेसीज नाउ एंड लेट्स लुक फॉर प्रशांत एंड फिर हम अंदर जाएंगे। अभी हम दोनों साथ में मिल गए हैं एंड हम अंदर जाने वाले हैं एंड प्रशांत तो फटके पड़ने वाले हैं। ठक ठक ठक, मैं कुछ ले लूँ तो डेट शो ऋतु से बहुत महंगाई है प्रशांत, लेने देते हैं। ये मेसीज है जिसके अंदर हमें जाना है एंड इसके बाहर बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो मतलब न्यूयॉर्क में समर्स में बाहर बैठना आई थिंक इट्स अ कस्टम। सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर सबको अंदर बैठना पड़ेगा, तो जब तक लोग बाहर हैं तब तक इन्जॉय करते हैं। एक और चीज़, मेसीज में ना हॉलीडे डिस्प्ले होता है। प्रशांत याद है हम लोग दिसंबर में क्रिसमस में देखने आए थे जो ये वाली विंडो है, तो मतलब यहाँ पे जो ये जो मेसी स्टोर है ना, मतलब ऑफकोर्स इट्स अ बिग ब्रांड, बट ये वाला जो स्टोर है ये काफ़ी आइकॉनिक है, ऑलमोस्ट 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो इन विंडोज़ के ऊपर क्रिसमस के टाइम ना बहुत अच्छा डिस्प्ले होता है और मेरे को ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी हम अंदर जा रहे हैं। मतलब सोच के देखो, वी आर नाउ एंटरिंग इन साइड द बिगेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर इन द US। फ्लोर पे ना मोस्टली मेकअप है और परफ्यूम्स हैं। आई थिंक इंडिया में भी आप यूजुअली जहाँ पे भी एंटर करते हो तो ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा टाइम मेकअप, हैंड बैग्स और वो सब होता है। कुछ ड्रेसेस बहुत प्यारे, मेरा दिल ललचा रहा है। समथिंग लाइक दिस, लुक एट द कलर मैन, बहुत स्मार्ट है। दिस इज फॉर आई विल टेल यू $165। और जैसे ही मैंने सुना मैंने वो ड्रेस रख दी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत एक लिमिट तक खर्चा करना चाहिए, राइट? मतलब यू कैन गेट समथिंग लाइक 50, 55, 60, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक, नहीं उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक इट इज़ फीजिबल, है ना? तो हम क्या कंजूस हैं क्या? नहीं नहीं, हम समझदार हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब वी डोंट स्पेंड, वी स्पेंड ऑन एक्सपीरियंस, वी स्पेंड अ लॉट ऑन ट्रैवल, वी स्पेंड ऑन थिंग्स विच वी लाइक, नॉट कि हम अच्छे कपड़े पहन लो और आप हमें पसंद करो उसका हम खर्चा क्यों कर रहे हैं प्रशांत, है ना? हम सस्ते कपड़े पहन लेंगे, इट्स ओके। सो अभी हम टॉमी हिल फिगर में हैं और एक ड्रेस मुझे बहुत सही लगी,
which is this. This is nice style, very smart, बहुत प्यारा है. This is for किधर होगा? It's for $50. Colors नहीं है. कुछ कपड़े आपको कॉस्को में मिल जाएंगे, तो मतलब ये वाला जैसे 50 का है ना, आई कैन बाय दिस, ऑफ कोर्स इट इज गुड. अगर आपको थोड़ा और चीप जाना है तो कभी कभी कॉस्को में आपको यही चीज 30 की मिल जाएगी. अगेन आई थिंक प्रो टिप, अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद लोगे. एक ब्रांड जो मुझे पसंद है वो है कैल्विन क्लाइन. इसकी कुछ ड्रेसेस मैंने ऑनलाइन लिए हैं बट वो डिस्काउंट पे लिया है. जैसे कि ये वाली अगर हम लेंगे तो पड़ेगी हमको, प्रशांत कितने की पड़ेगी वाली? $129. कुछ खास नहीं है वैसे तो, नहीं है ना, है बहुत बुरी है ना. जैसे मान लो ये वाला ड्रेस अच्छा है, आई लाइक द रेड कलर एंड फील, दिस इज फॉर $139. तो ये स्मार्ट है, दिस लुक्स नाइस. ये पूरा सेक्शन पार्टी वेयर ड्रेसेस के लिए है. ओह माय गॉड, लुक एट देम, काफी ज्यादा ब्लिंगी ब्लिंगी कपड़े हैं यहाँ पे. यहाँ पे कुछ फॉर्मल वेयर है. एक और चीज जो बहुत यूनिक है मेसीज में वो है ये वुडन एस्केलेटर्स. और पहले वाले जमाने में, मतलब 100 साल पुराने जमाने में, वो जो नए वाले एस्केलेटर होते थे वो नहीं होते थे, तो ये वुडन है. तो मतलब ये भी वुडन है, ये भी वुडन है. थोड़ी सी घबराहट हो रही है ना, नहीं टूटेगा, नहीं सेफ है. सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी है उसका मैप दिया, छोटू सा ऐसे तो मेन स्टोर इतना तो लड़कियों का इतना, लड़कों का इतना यार. ये तो फिर भी ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है. यूजुअली ऐसा होता है कि 3 फ्लोर की दुकान होती है, उसमें 2.5 फ्लोर लड़कियों के कपड़े होते हैं और आधा फ्लोर लड़कों के देते हैं कि हाँ यार तुम भी ले लेना कुछ. अभी हम लोग कपड़े वाले सेक्शन में आ गए हैं एंड यहाँ पे आके मतलब मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि हम शॉप स्टॉप के अंदर आ गए हैं. बट साइज़ बड़ा है, जैसे मान लो ये टॉमी हिल्फिगर है, ठीक है, ये शॉप है, ठीक है, तो एक यहाँ से लेके वहाँ तक देर इज़ वन टॉमी हिल्फिगर टिल देर. और इंडिया में मैंने टॉमी की पूरी दुकान जैसे इंडिया में मैंने देखा है. अगर मतलब लाइफ स्टाइल वगैरह में होते थे ना, तो जैसे मान लो थोड़ा सेक्शन होता था, दो या तीन रैक हो जाते थे. यहाँ पे इट इज़ बिग, लाइक लुक एट इट, दिस इज़ द अनदर सेक्शन. तो इट इज़ लाइक जैसे मॉल में नहीं थी टॉमी की शॉप, तो ये इतना बड़ा स्टोर है कि हर एक जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एरिया मिला हुआ है. तो ये वाला जो ब्रांड है पोलो राल्फ लॉरेन, ये वाला थोड़ा एक्सपेंसिव है. दिस इज़ लाइक अ वेरी प्रीमियम ब्रांड. लेट्स गो इन एंड एक्सप्लोर. मतलब ऑफकोर्स खरीदना तो है नहीं बट देख लेते हैं. बोलो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो लुक एट द प्राइस टैग मैन. ये एक टी शर्ट इज़ फॉर $95 और बहुत महंगी है ये वाली. आई एम नॉट श्योर कौन लोग लेते हैं. प्रशांत डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ डू पीपल बाय दिस? जब ये है USPA, सेम ही लोग है ना, सेम ही लोग है, तो क्यों खर्चा करना? हाँ मतलब क्यों यार, मुझे लगता है कि मतलब आई गेस पहनने में अच्छी लगती होगी, कपड़ा अच्छा लगता होगा. कभी ट्राई किया? नहीं यार, मैं $100 की शर्ट नहीं खरीद सकता, सॉरी. ओके गुड. ये वाला ब्रांड लिवाइस इंडिया में आई थिंक बहुत सारे लोग पहनते हैं. उसकी जो जीन्स है उसका जो प्राइस वैल्यू है, जैसे कि ये वाली इज़ फॉर $69, दिस इज़ अगेन 69, दिस इज़ अगेन 69, सारी 69 के, तो ये $69 के आसपास मिल जाएंगी. प्लेन टी शर्ट्स, दिस इज़ फॉर 24.50, अगेन वहाँ पे भी है कुछ टी शर्ट्स. और अगर आपको ऐसा कुछ शर्ट टाइप मतलब जीन्स का जैकेट सपोजिंगली, प्रशांत हाउ मच इज़ दिस फॉर? अगर हम ये लेना चाहते हैं $80 का. गुड गेस मैन. एक पियानो भी है और पता नहीं क्या है. लेट्स गो इन. ये बजता भी है, ये आवाज आती है, नाइस. मेरे को फोन आ रहा है, बात है बजा. हाँ बजा. कभी भूल गई इतना खुद खुद क्यों जाना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल है. हैप्पी बर्थडे क्यों आता है? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mera first time. Happy birthday aisa.
जैसे अगर आप ऑफिस ऑफिस जाते हो तो दिस इज फॉर $90 $90 इन INR इज हाउ मच 6,500-7,000 सो दिस इज फॉर 7,000 rupees बट दिस इज नाइस यार सुशांत है ना दिस इज नाइकी एयर मैक्स ये कुछ नया है दिस इज $100 जो कि होते हैं नाइन अराउंड 7,000-7,500 ये हमें वहाँ भी देखा था बट हमें डिस्काउंट में मिला था हमने जो देखा नाइकी के स्टोर में सस्ता मिल रहा है आई थिंक जहाँ हम वहाँ गए थे ना वो फ्लैगशिप स्टोर होता है वहाँ पे डिस्काउंट ज्यादा होता है चीज जो मुझे बहुत सॉलिड लग रही है वो है ये वाले शूज मतलब लुक एट द कलर्स मैन बहुत ही ज्यादा क्वर्की स्टाइल है एंड आई टेल यू हाउ मच इज दिस इज फॉर $150 थोड़ा महंगा है बट काफी स्मार्ट है मतलब बहुत स्मार्ट लग रहा है तो अभी हम आ गए हैं भांडे बर्तन वाले सेक्शन में और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है लुक एट द साइज मैन पूरा पीछे तक सिर्फ और सिर्फ ऐसे बर्तन हैं मिक्सी है और थोड़ा बहुत होम डेकोर का सामान है तो पता नहीं था कि यहाँ पे ये राल फ्लोरेंट लगोस्टे वाले गद्दे वद्दे भी बनाते हैं पैसे लूटने का इनको कुछ भी मौका चाहिए कपड़ा तो लूट लेता है बना दिया कितने का होगा ये तू बता गेस का कितने का होगा ये होगा $200 का दिस इज $300 क्वीन वाले के लिए और 350 किंग के लिए तो मेरा ना फेवरेट कलर ब्लू है और मुझे ये काफी स्मार्ट लग रहा है मतलब थोड़ा सा फैंसी है बट देन दीज आर लाइक प्लेन इंडिगो प्रिंट टाइप तो काफी से लग रहा है होटल कलेक्शन में मिल रहा है पहली बार देखा अपनी लाइफ में टॉमी हिलफिगर का भी होता है ये सही है एक और चीज़ जो मैंने US में आके देखी कि यहाँ के जो गद्दे होते हैं ना वो काफ़ी मोटू होते हैं मतलब लुक एट द साइज ऑफ द गद्दा इट इज बिग लाइक लुक एट इट प्रशांत ऐसा क्यों होता होगा है ना छोटे वाले नहीं मिल चलते हैं ड्यूरेबल गद्दे लेते हैं लोग ऐसे जो कि 10-10 साल 20-20 साल चले और बहुत महंगे भी होते हैं लाइक somebody आई नो somebody हु इज बहुत थाउजेंड्स मतलब $1,500-1,600 का एक गद्दा खरीदा है लोगों ने आउट ऑफ मेसीज और बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था एंड अभी न्यूयॉर्क सिटी की वाइब कुछ ऐसी है शाम को ना थोड़ा सा अलग हो जाता है थोड़े बिलबोर्ड्स चमकने लग जाते हैं ट्रैफिक बढ़ जाता है और अभी हम घर जा रहे हैं क्योंकि हम थक गए हैं प्रशांत आंट यू टायर्ड आज पता नहीं क्यों मतलब यूजली मेरी एनर्जी थोड़ी हाई होती है आज आई डोंट नो मतलब मैं बीमार नहीं हूँ मैं थोड़ी थकी हुई हूँ दिस इज व्हाट आई फील और वहाँ जाके और थक गए तो अब हम घर चलते हैं और खाना खाएंगे और फिर आपसे घर जाके मिलते हैं तो फाइनली मुझे अभी फिर से कोई न्यूयॉर्क में मिला और आपका नाम हाय आई एम प्रीति और मतलब हम लोग ऐसे वॉक कर रहे थे तो उन्होंने हमें पहचान लिया बट दुख की बात हमेशा ही होती है कि लोग प्रशांत को पहले पहचानते हैं मेरी बात ही सेक्शन में आती है तो कैसा लगा आपको मुझसे मिलकर मैं थोड़ी बहुत बहुत अच्छा लगा ऐसे यहाँ से जा रही थी कोई न्यूयॉर्क सिटी में मुझे पहचान जाए लगता है भगवान काम सफल हो रहा है हमारा यू आर सो कॉन्फिडेंट शी इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट मैं जिससे भी बात करी हूँ ना इनकम से कैमरा ऑन हो और अभी हम घर आ गए हैं हमने तड़के वाली दाल खाई और उसके बाद अभी हमारा सोने का टाइम हो गया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई एम सॉरी आई वॉज लो ऑन एनर्जी टुडे इट वॉज इन द बेस्ट ऑफ द डे फॉर मी टुडे अंडरस्टैंड समटाइम्स लाइफ इज लिटिल ठीक है कभी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे सकूँ कुछ नया दिखा सकूँ अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स को भेजो 100K करवा दो और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो एंड आई नो ये ऋतु बहुत सारी चीज़ें मांग रही है बट ट्राई एंड स्क्वीज़ इन ना थोड़ा सा गुड नाइट टेक केयर बाय